नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू और मैं हूं आपके साथ नीतू सिंह। आज 3 बजे से ही सबकी नजरें जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पेज पर थी, क्योंकि आज जो है लोकसभा इलेक्शन का जो है चुनाव का जो तरीका है, क्या कुछ फेज रहने वाले हैं, क्या डेट्स रहने वाली हैं, उस पर लोगों की इस समय नजरें जो है गड़ी हुई थी। और आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव जो है वो 7 फेजेज में होने जा रहे हैं, और जहां लंबे समय से इंतजार था और ये भी अटकलें लगाई जा रही थी कि जहां इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की टीम ने जब जम्मू कश्मीर का 2 दिवसीय दौरा किया था तो उस पर यह भी अटकलें लगाई जा रही थी कि शायद लोकसभा इलेक्शन के साथ साथ ही जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव भी होंगे। लेकिन आज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से जब ये इलेक्शंस को लेकर घोषणा की गई तो सिर्फ लोकसभा चुनाव की ही घोषणा हुई है, जम्मू कश्मीर असेंबली इलेक्शन को लेकर कोई भी बात नहीं की गई, जिसको लेकर कई बार पॉलिटिकल पार्टीज ने मुद्दा भी उठाया है कि जम्मू कश्मीर में आखिर असेंबली इलेक्शन क्यों नहीं करवाए जा रहे। लेकिन इसको लेकर कोई भी जो है बात इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से आज नहीं कही गई है। फिलहाल लोकसभा इलेक्शन के जो चुनाव है इनको 7 फेजेज में करवाया जा रहा है, और पहला फेज जो है 19 अप्रैल से जो है शुरू हो रहा है, और ये 21 जो स्टेट्स और यूटीज हैं उनमें होगा। सेकेंड फेज की अगर बात करें तो सेकेंड फेज जो है 26 अप्रैल को जो है होने वाला है, ये 13 स्टेट्स में और यूटीज में होगा। और थर्ड फेज जो है ये 7 मई को होगा और 12 यूटीज और स्टेट्स में होंगे। चौथे फेज की अगर बात की जाए तो चौथा फेज जो होगा वो 13 मई को होगा और इसमें 11 स्टेट्स और यूटीज हैं। पांचवा फेज 20 मई को होने वाला है जिसमें 8 स्टेट्स और यूटीज हैं। छठा फेज जो है ये 25 मई को होने वाला है जिसमें 7 स्टेट और यूटीज हैं। और फेज 7 की अगर बात की जाए, जो आखिरी फेज होने वाला है पहली जून को आखिरी फेज है जिसमें 7 स्टेट्स और 8 स्टेट और यूटीज शामिल है। जहां लंबे समय से इंतजार था और जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की टीम ने जम्मू कश्मीर में विजिट किया था, 2 दिवसीय विजिट किया था, तो उनका यह मानना था कि यहां पर सिक्योरिटी सिनारियों को देखने के बाद ही जो है, यहां पर अहम बैठकें होने के बाद ही जो है इस पर कोई मोहर लगाई जाएगी। लेकिन साफ तौर पर क्लियर कर दिया गया है कि अभी जम्मू कश्मीर में जो है असेंबली चुनाव नहीं होंगे। इससे पहले आपको यह भी बता दें कि दिसंबर 2023 में जुडिशरी द्वारा भी एक अहम फैसला लिया गया था कि असेंबली चुनाव को जो है जम्मू में सितंबर 2024 से पहले करवाना होगा। तो अभी तो फिलहाल असेंबली इलेक्शन को लेकर कोई भी डेट जो है क्लियर नहीं की गई, लेकिन लोकसभा चुनाव को लेकर जो 7 फेजेस हैं और जिनमें से 5 फेज जम्मू में होने वाले हैं, क्योंकि 5 फेजेस इसलिए हैं क्योंकि 5 सीटें ही हैं जम्मू कश्मीर से, तो जम्मू कश्मीर में 5 फेज होने वाले हैं। और पहले 5 फेजेस की डेट हमने आपके साथ शेयर करी। लोकसभा चुनाव के लिए जहां अटकलें लगाई जा रही थी कि शायद ये मई या जून में होंगे, तो इस समय जो हमारे पास 7 फेजेज आए हैं, जो पहला फेज जो है वो 19 अप्रैल से शुरू होकर और आखिरी फेज जो है वो जून पहली तक रहने वाला है, तो ये फेजेस हमने आपके साथ शेयर की। जिस तरह से असेंबली इलेक्शन की बात की जाए तो असेंबली इलेक्शन को लेकर अभी ईसीआई द्वारा कोई भी जो है मोहर नहीं लगाई गई, लोकसभा इलेक्शन को लेकर जो है डेट्स फाइनल हो चुकी है। और जम्मू कश्मीर की अगर बात की जाए तो जम्मू कश्मीर में 5 सीटें हैं और 5 सीटों के ऊपर 5 फेजेज में जो है चुनाव होंगे। और आपको बता दें कि इस समय बड़ी जो अपडेट है वो अपडेट यही आ रही है कि जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शन को लेकर अभी कोई भी बात क्लियर नहीं की गई है, यानी कि लोकसभा चुनाव का बिगुल तो बज चुका है, डेट तो आ चुकी है, फाइनल हो चुकी है। और इस समय देखा जाए तो जो सियासी गलियारे हैं वो भी इस समय काफी ज्यादा गर्म है। लेकिन जहां लंबे अरसे से ये अटकलें लगाई जा रही थी, लंबे समय से ये सब कहा जा रहा था कि वन नेशन वन इलेक्शन की बात की जा रही थी, तो कहीं ना कहीं ये भी सामने आ रहा था कि शायद जम्मू कश्मीर से इसकी शुरुआत होगी। लेकिन वही बात हुई, इलेक्शन कमीशन द्वारा जो फैसला लिया गया उसमें असेंबली चुनावों को लेकर कोई भी बात नहीं की गई है, कुछ भी स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है। लोकसभा इलेक्शन जो जिसका फेज जो है फर्स्ट फेज 19 अप्रैल से शुरू होने वाला है और पहली जून तक ये फेज 7वां फेज जो है कवर अप कर दिया जाएगा पूरे भारत में, तो इसको लेकर जो है अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस दी गई जो हमने आपके साथ साझा की। तो सबसे बड़ी अपडेट यही है कि लोकसभा चुनाव
चुनाव की जो है शुरुआत 19 अप्रैल से हो रही है, और जहां असेंबली इलेक्शन की बात की जा रही थी उस पर अभी कोई भी मोहर नहीं लगाई गई है, यानी कि अभी भी ये प्रश्न चिन्ह फिलहाल बरकरार बना हुआ है जम्मू कश्मीर वासियों के लिए, अदर पॉलिटिकल पार्टीज के लिए, कि जम्मू कश्मीर में आखिर असेंबली चुनाव कब होंगे। इसके बारे में आप क्या कुछ कहना चाहते हैं, क्या लगता है आपको कि असेंबली जो इलेक्शंस है जम्मू कश्मीर में कब तक होंगी, कब तक जो है डेट फाइनल की जाएगी, आप इस पर अपने कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, कैमरामैन अजय साडू के साथ मैं नीतू सिंह, ग्रेटर जम्मू के लिए धन्यवाद।